शुभम अंकल यति महाराज जेल से कब छूटेंगे? जितेंद्र नारायण त्यागी जी को भी जेल में डाल दिया, जो हाल ही में घर वापसी किया, क्या इससे जो घर लौटना चाहते हैं उस पर असर नहीं पड़ेगा? ये पूरी अब कानूनी प्रक्रिया है, ये वकीलों के हाथ में है। हमें अपने डिफेंस को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपना डिफेंस इतना मजबूत करें, इतने अच्छे तर्क दें जज साहब के सामने, न्यायालय में, कोर्ट में रखें कि उनको जमानत मिले और केस हम जीतें। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये नहीं हो सकती। हमें अपने हमने कहीं भी अब कभी अपना डिफेंस तैयार ही नहीं किया। हम वो लोग हैं जो तश्तरियों में अपने खिलाफ सबूत परोसते हैं। अब मोहम्मद जुबैर ने जो 13 वीडियो ट्वीट किए थे, वो वीडियो लाइव किसने चलाया? गरम संसद का। आप लोग कह रहे थे साइबर सिपाही लाइव क्यों नहीं दिखा रहा, साइबर सिपाही लाइव क्यों नहीं दिखा रहा। उस दिन एसएन पाठक जी आए थे, एसएन पाठक साहब मुझसे नाराज थे, तीन विषयों पे लेके नाराज थे। पहला, साइबर सिपाही लाइव क्यों नहीं कर रहा, साइबर सिपाही लाइव क्यों नहीं कर रहा। दूसरा, शुभम भाई हरिद्वार में क्यों नहीं गए, शुभम भाई हरिद्वार में क्यों नहीं गए। और तीसरा, शुभम भाई ने धर्म संसद में कितना पैसा दिया, कितना सहयोग किया यति बाबा को। अरे यार, कैमरे पे बुलवाओगे क्या? मतलब ये भी सबूत दे दो कि शुभम भाई ने 1 रुपया दिया या 100 दिया या 1000 दिया या 1 लाख दिया या 5 लाख दिया या 10 लाख दिया, यही बुलवा दो सब कुछ है यार। क्योंकि मैं तुम्हें बता के दूंगा यति बाबा को मेरे को जो देना होगा है। दूसरा, शुभम भाई हरिद्वार में क्यों नहीं दिखे, लो उल्लू बाबा जी का क्यों नहीं दिखे। शुभम भाई अब बैठ के डिफेंस तैयार कर रहे हैं। आप में से किसी ने जो मेरे को टोक रहे थे कि शुभम भाई हरिद्वार में क्यों नहीं हो, क्या आपने डिफेंस तैयार किया? किसने किया? यति बाबा का डिफेंस तैयार हमने किया, हमारी टीम ने किया। और पहला सवाल, लाइव नहीं दिखा रहे, लाइव नहीं दिखा रहे। जिन्होंने लाइव दिखाए, मैं क्या बोलूं, चैनल उड़ाए अपने हाथों से और फिर कह रहे यूट्यूब ने चैनल उड़ा दिया, यूट्यूब ने उड़ा दिया। फट गई उनकी हिंदी में, फट गई, उड़ाना पड़ा चैनल, क्या करे यार। अरे मत बुलवाओ ना मेरे से सारी बातें, जब अकल ही नहीं है कि दिखाना क्या है क्या नहीं दिखाना, जब तुम्हें यही नहीं पता कि मंच पे कौन आके क्या बोल देगा। तुम लाइव दिखा रहे हो तो भाई दिमाग पहले लगाते ना, उसके बाद में जब फटी तो चैनल उड़ाते फिर रहे हो अपने।